कुल्लूना में जीऊंगा इतने। भगवान आपकी मदद करेगा, ऐसी बात नहीं महाराज। और उस लड़की का एक बीमारी थी, बीमारी भी क्या थी, उसके पेट में सरप था, वो 12 साल से महाराज ने किले के अंदर बंद कर रखी थी। लगड़ी में से रोजाना एक आदमी दिया और उसकी भेंट में दे दिया। वो सर्प उसको ढस लेता था, लड़की रात भर आराम विश्राम कर लेती थी। सवेरे उसकी माटी ने खींच के बाहर गिर देते थे। छोरे के कर रहे आपे में दुखे बत टुकने के लिए महाराज पहुंचे। वहां पर कर्ण एक बठियारी 12 साल पहले उसका पति गया था उसकी भेंट में। उसके पास एक पुत्र था जिसका नाम इंद्रमण था। उस रोज उस बच्चे का नंबर आया हुआ भेंट में जाने का, और महाराज वहां रुकने के लिए पहुंचे। वो बठियारी अपने बच्चे ने तैयार करने लाग रही, 12 साल का बच्चा, एक पुत्र, और वो ही भेंट में जाना, अपने हाथों से भेजना। उसके ऊपर बड़े बड़े ख्याल आ रहे और रोरी तो उसके पास पहुंच जाता है। चल पकड़े काले जा रोवणी लगी, बहुत से बेटे बेच आवाज, उस बेटे की गोली भर के कर लेती तो क्या हो जाता, टोकनी शरद भर के
कनी कनी सब अपने हाथ लुटा चलिया धर्म का पैदा तुला रखा था अपने हाथ कटा चलिया इंद्र मणि मेरे कवरे लाडले बाप का बंसी मिटा चलिया छोटा मोटा तो मेरे यहाँ दुख ही तेरे मस्ता नहीं छोड़िए।
बोली मारी ये पल में भक्ति मास तेरा लगा
कनाल का भी नहीं बेरा, कोई बेरा नहीं। तो भी मेरे बेचारी तुम्हारे बेकूफ खेत की जुगर मानस के जुखाम हो जाए, ठंड लग जाए, जुगर मेरा हो जाएगी, तो उसमें घोड़े का जब ठंड लग जाए तो नुक आगरे कनार होगी। बाप मरिया के याड़े का और तू सारा दे दी, खोल के कह दे काम नहीं शर्माने का, शर्माने का कौन से काम निकले, तू साची सामने मत ना जाने मैं मानस ठोड़ी ठिकाने का, गुरु मंगे राम सुसाने का मंगे राम, पहला मोटर चलाई सर में सरोजाना एक आदमी की भेट जाती है। हाँ हाँ। वो सर उस आदमी को डस लेता है, लड़की रात भर आराम कर लेती है, सुबेरे खेत की माटी ने बाहर गिर दे बस गिर जाके तू करो है। मैं नहीं रोऊ हूँ, आज से 12 साल पहले उस किले की भेंट में जब तो कहा था छोरे का बाप इसका अच्छा, और 12 साल के बाद आज इसका नंबर है, और मेरा तो छोरा भी एक है भाई, ये छोरा भी एक है, और ये छोरे ने तो मरण दे तेरे ने, क्यों मरण दे, ठीक रहेगा कुछ और डालगा मुंह से इसका, आइए 12 साल हो गए इतने राइड हुई, 12 साल हो गए पूरे पूरे न्यू की न्यू। हाँ भाई आइए दांदरे का डेगली का लोग मेरे सन्ने को मानवार है, वाह भाई वाह, करी हाँ भाई, ये रोना धोना बंद कर कर दिया भाई, हर न्यू करी के भोजन बड़ा बहुत बढ़िया तो बढ़िया, तन्ने परोठा ही लाग रही संतरी आना लाओ रे, बात भी सुनेगी और इन खुआ अच्छा, और तू खा ठीक, और मन ने जमा, हाँ मन भी जमा दे, जरूर जमावांगे, हाँ और फिर छिक्के मरांगे भूखे नहीं मरिया करते, रोटी दही बना दो भाई, क्या खोक मानो मेरा मान के भाई, हाँ कौन, हाँ महाराज नमस्कार, आई बटियारी, बटियारी भी आ गया, वो भी आ गया साहब, थोड़ा सिमट के रहना आप गुम हो जाओ, बैर करता है बटियारी भाई, ये तुम्हारे महाराज ने ये हाथ जोड़ के जोड़ी करके हाँ। इनके चरण पकड़ के तो अपने बेटे की भीख मांग ले, अच्छा हो सकता है ये महाराज इनकी आत्मा में रहने आ गया, हाँ तो ये मान गया ठीक, बहुत बढ़िया बात, जो अगर ये नहीं माने, अगर नहीं माने तो फिर मैं यही हूँ, तो भाई मैं बात करती हूँ आगा भाई, महाराज प्रणाम प्रणाम होली तुम्हारी प्रणाम, जिस माँ का एक बेटा हो और उसकी 12 साल की उम्र हो, दूसरा कोई भी सहारा नहीं हो, और उसकी नजरों के सामने उसकी मौत आ जाए, और यू भगवान मार दे भी बात अलग है, और एक इंसान जबरदस्ती से किसी के लाल को खोज के मारे है, उस टाइम पे उस माँ की आत्मा पे क्या गुजरती है ये सुनना होगा ध्यान से, माँ बेटा सब संसार में जेठानी को बोलिया एक बेटे पे जान बचा दे खड़ी कर जो
मरण पड़े बटे भीजा मैं पल्ला पकड़े न छोड़ू Yeah.
देसने तेरी तेरी और देसने ये मोती चुगलिए मैं खाली ये रेती से छोड़ूं सू उस सुबह में कोई भी आदमी नहीं अपनी जुबान को हलास क्या क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी वो लड़का इंद्रमणि 12 साल का बच्चा विचार करने लगा कि तेरी माँ की आंसू पूछने वाला आत्मा को भीड़ शांति देने वाला तो कोई भी आदमी नहीं है। आप देखिए अगर मौत के ऊपर है हम एक की एक दिलासा नहीं दिया आत्मा को नहीं रोका तो इतनी भारी टक्कर में इंसान आ जाता है कोई कोई कि वो कर जाए पाट के न मर जाए वो जी नहीं सकता। मगर ये उस टाइम के ऊपर प्रमाण दे के सुझाव दे के कि संसार का व्यवहार ये सबके लिए एक सा है। वो लड़का अपनी माँ को शांति देता है उसको ज्ञान देता है कि माँ तू रो मत। हाँ माता जी। हाँ बेटा। आप क्यों रोती हो? एक बार मरना पड़ी देखा है लास्ट में महाराज भर्तृहरि हरी विक्रमा के राज तिलक करके और उनको शपथ दिला के ये राजनीति की शपथ होती है लोगों जैसे कि राष्ट्रपति दिलाता है ऐसे ही बड़े भाई का माँ बाप का भी दर्जा बहुत बड़ा होता है। भर्तृहरि जी ने अपने भाई विक्रमा को कह दिया था देखिए अनरीति और अन्याय नहीं करना है किसी गरीब को नहीं सताना है धर्म का हमेशा साथी रहना है। ये कह के फकीर हो गए विक्रमा उस राजनीति पे कायम हो गए। हे बच्चों थम्या करो रे देख सारे ऊपर विक्रमा ने अपना राज शुरू कर दिया देश के अंदर उसी राजा की जय होती है लोगों जो नीति से बंध के चलता है। उनके पल्ले नेम थे सारे देश के अंदर महाराज की बड़ी चर्चा होगी कि बड़े सत्यवादी और दयावान महाराज है। युवान उम्र के अंदर उधर से मानसरा और ताल महंसरा आकर थे उनका आपस में झगड़ा हो गया मानसरा और ताल का रंसो Yeah.
ही मारी किस्मत आके आगे आएगी किस्मत आके आगे और समुद्र से बात बिगड़ गई और समुद्र से बात बिगड़ गई बन गए मरने जीवन के आए नहीं से तेरे दौरे हरणी आए और कुत्ते का मता नहीं से और आगे का मता नहीं तकदीर का पता नहीं से तकदीर का पता नहीं से ये किसके बड़े जाए ने जाए
मंजे राम पाके परसे रोज ढके जासे वरा चल मैं राज के दफ्तर के ना राज लिखे जासे और जो कुछ लेके लिखे जासे ना ना के से मिटे के भाग बड़े से वो ऐसी थी कौन से उसे जैसे ये परमहंस प्राय आत्मा को पहचानने वाले न्याय इंसाफ को देखने वाले और वो ऐसी थी अच्छे ना होते कि भाई सामने डट जर तड़ गए गुदड़े भी ले बांध ले जा। हाँ जी परमहंस हाँ जी क्या करने के लिए आए आपके पास ठहरने के लिए आए कितने दिन कम से कम 12 साल हाँ जी कितने हंस हो 50 50 हाँ जी क्या खाते हो अनबिंद मोती बगैर बिंदे हुए मोती जी हाँ एक हंस की कितनी खुराक है सिर्फ डेढ़ पाव हाँ जी ए तू भी डेढ़ पाव खाता है एक क्विंटल तू क्विंटल आराम का भी यो तो जी मेरा बेटा खा रहा है द्वार में बैठा और कोई हावी हाँ जी ये तो बहुत बड़ा खर्चा है आपके लिए कोई बड़ा नहीं महाराज अरे यार मैं तो एक आदमी हूँ ये चार काम मान मुश्किल हो रहा है खाम खाई की डम डम हाँ? हम बहुत दूर से आए हैं आपका नाम बड़ाई उपमा सुन कर आए नहीं तो नहीं आते नाम उपमा प्रशंसा सुन के इसीलिए चले आए हो नहीं तो नहीं आते क्यों नहीं आ करते हम भाई आया मैं भी न्यूज लोगो देख लो तुम इस बात ने सोच लो नहीं तो बिना बोला मैं भी नहीं किसी काम में बड़ा करता यू नेम से अच्छाई को समझ के हाँ जी मैंने कल भी बताया था आदमी के दर पे गुणवंता को अच्छे पुरुष को हाँ जी अच्छी परमात्मा को परमहंस को जरूर आना पड़ेगा हाँ महाराज तो भाई साहब हाँ जी खर्चा तो बहुत डबल है आपके लिए कोई डबल नहीं आऊंगा जी के दो बड़े बड़े हैं इन्हें दे जाए मोती इन्हें तो खा जाए मोती और दो छोटे छोटे हैं इन्हें दे जाए गुड़बाजरा गुड़बाजरा नाला ये दे जाटा लावा लाग रहा है चले बिंदा ये हंस है
आदमी हो, चिकने घड़े के साथ दिमाग हो, जिसका कोई गुरु नहीं हो, उसको विद्या सुनानी भी नहीं चाहिए, सिखानी भी नहीं चाहिए। कवि ने कहा एक दोहे के अंदर है, विद्या बीज सनेब धन व्यथा मत डारो को, इसी जगह पे डारिये जहाँ डारे का फल हो। ये व्यथा नहीं खोनी चाहिए भाई, बात ऐसी है। हाँ जी ठीक है जी, विशाल मंदिर ठीक है। हाँ जी पूरी की कर है, तीन के नहाने धोने का खाने पीने का हर फल बंद ऐसा होना चाहिए। जो कि ये यहाँ से यूं नहीं कह कर जावे, वह गए थे चारों का अम्मा की मेर तेर कर कर कुछ नहीं पाया भाई। है प्यादा वो हंस महाराज ने अपने पास में डाल लिए और उनकी हर सेवा होने लगी। बच्चो सरोवरी कैसा ताल, और अन्न धन के भंडार भरो तेरे मौजूद
विश्व बीस विष्णु भगवान के तुल बता रहे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? हंस है जी। हंस किसका नाम लेते हो? राजा भीम विक्रमादित्य विश्व बीसों के मृत्यु लोग के रहने वाले हैं। के नाम से पुकारते हो? हाँ। आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती। जो भी कोई हाँ। किसी के दुख दूर कर देता है अच्छा। उसके लिए विश्व बीस से बढ़कर होता है। तुम्हारी क्या फिर जो आज से सवाल करें उसका जवाब दोगे? आपको जवाब मिलेगा बाकायदा ऐसी बात नहीं। अच्छा एक क्या होता है? एक ओम दो ध्यान करके आसमान तीन लोक चार वेद पांच तत्व शास्त्र दीप आठ वसु नौ खंड दस इंद्री ग्यारह उत्तर बारह ये तेरह वजन चौदह बावन पंद्रह जी सोलह सिंगार सत्रह अठारह प्राण उन्नीस उपनिषद और बीस विश्व भगवान जी की चार चार कलर किसने खोज ली? इंद्र महाराज ने। क्यों खोज ली? ऐसी खोज ली बता। जैसे माँ के पास जा रहे थे और इंद्रपुरी में गंगा लेते जा रहे थे महाराज और ये कहते हुए जा रहे थे के राजा वीर विक्रमादित्य विश्व के जो मृत्यु के रहने वाले हैं। ये आवाज इंद्र महाराज के कानों में जाके पड़ी और हमारे को बुला लिया महाराज। चार चार गुस्से हमारे नौ लात मारी गया अगर अपने मारे तो दोगली बिठा दी कूक में मारे पीटे भगा दिए और अंसड़ी खोज ली महाराज। और अंसड़ी खोज ली हां जी। महाराज वो जो रट्टे गाय दी जेर भी खोल के लाला हम खोरे दीवार पे मरेंगे। महाराज बहुत चिंतित हो गए। बड़ा गजब हुआ भाई। तुम एक काम करो। हाँ जी। तुम ही आओ। आप जाते हो और मैं जाता हूँ। आपकी नींद में क्या महाराज? आज से आगे ये नियम करता हूँ। बताओ लोगों जो आपके सामने ये नियम बताए जाएंगे ये सारे किसी पुरुष के पल्ले हो जाए तो उसको इंसान मत समझो, एक भगवान का दर्जा समझो उसका। और नहीं तो मानस और मानस का बीज हो तो भाई इनमें से कोई न कोई नियम इस शरीर में जरूर होना चाहिए। और कैसे? मैं क्या करूँगा? आप क्या करोगे? मिल जाता उसने मिटावे नहीं उसको समझावे।
और कैसे दंगे पतली माड़ी मोटी रे जुआ लंगोटी रजुआ संतान दो रोटी रजुआ में जीऊंगा इतने हरी हरी भी नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करूंगा। और कैसे महाराज? और कैसे?